हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ श्वेता। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। बहुत ही कम टाइम में 30 मिनट में ये बिरयानी बन के तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन बनाने के लिए। ये आपको जिसमें कंफर्ट लगे आप बना सकते हैं, कुकर में या टोप में, किसी भी चीज़ में। उसमें मैंने डाला है आधा कप रिफाइंड ऑयल और साथ में मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। और ये तेल और घी को मिला के गर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी आधा चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 स्टार हैं, 2 लौंग, 4-5 दाने काली मिर्च के, 2 तेज़पत्ता। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इनका फ्लेवर पूरा आ जाए तेल में। उसके बाद यहाँ पे 1 बड़ी प्याज को मैंने रफली चॉप किया है तो वो डाल देंगे। और प्याज को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने आधा घी और आधा तेल यूज़ किया है, तो इसी तरीके से आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और प्याज को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। और इस टाइम पे जो सब्जियां अवेलेबल थी वो मैंने डाली हैं। इसमें मैंने बीन्स वगैरह नहीं डाला है, तो अगर आपके पास हो तो आप डालिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने इसमें गाजर भी ऐड कर दिया है। और इन सबको मिला के भूनेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं वेज बिरयानी की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड करूँ, सो उनकी रिक्वेस्ट को मैंने पूरा किया है। और थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। और इन सबको मिला के अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन भी इसमें अच्छे से भुन जाए। ये बहुत ही शॉर्टकट रेसिपी है बिरयानी बनाने की। इस रेसिपी को आप पूरा देखिएगा और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इससे बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर और 1 चम्मच है बिरयानी मसाला और 1 चम्मच है गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप जो सब्जी मसाला यूज़ करते हैं उसे 2 चम्मच डाल सकते हैं। बस मसालों को अच्छे से मिला के भूनना है। और यहाँ पे जो सूखे मसाले मैंने डाले हैं तो गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम पर इसे हम 5 से 7 मिनट भूनेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। और टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और भूनेंगे। और साथ में इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा धनिया और पुदीना बारीक काट के, और 1 से 1.5 कप के लगभग है हरी मटर। ये फ्रोज़न हरी मटर है इसलिए मैं इसको लास्ट में डाल रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल हरी मटर है तो उसे आप स्टार्टिंग में ही डालिए, जब मैं सब्जियां डाली थी भुनने के लिए तभी ही, क्योंकि उनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फ्रोज़न बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ऑलरेडी वो पकी हुई होती है, हाफ़ कुक्ड होती है। तो बस इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद साथ में ही इसमें नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। आप चाहें तो धनिया पुदीना का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे काट के डाला है। और नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप वेज बिरयानी बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है। और ये रेसिपी ऐसी है कि इसे हर कोई आराम से बना सकता है। तो बस थोड़ी देर के लिए इसे लो फ्लेम पे मैंने कवर कर दिया है और थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। और ये देखिए सब्जियां काफ़ी पक रही हैं और इसमें जो मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, मसाले से तेल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है और मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ये आप देख सकते हैं। तो साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच दही। दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक रहा है और तेल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है।
और यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी बासमती राइस, उसे मैंने अच्छे से धुल के भिगा दिया था और पानी से मैं उसे छान ली हूँ, पानी अलग करके निकाल दी हूँ। और अब ये जो चावल है इसे मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी और 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे चावल को डालने के बाद ऐसे ही मैं चला के इसे भूनूँगी। और ये सिंपल रेसिपी है, बहुत से रेसिपी में अक्सर चावल हाफ कुक्ड होता है और सब्जियों का और चावल का लेयर बना के डालते हैं, तो मैं ये बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, इससे कोई भी बहुत ही आसानी से बिरयानी बना सकता है। और साथ में मैंने इसमें कुछ फ्राइड पनीर डाला है और थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऊपर से डाल दूँगी। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी पानी, मैंने 2 कटोरी चावल लिया था तो 4 कटोरी पानी उसी से नाप के इसमें डाल दूँगी, जितना चावल है उसका डबल पानी होना चाहिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसे ढक दूँगी ताकि इसमें बॉयल अच्छे से आ जाए और चावल हमारा पकने लगे। और ये देखिए इसे मैंने कवर कर दिया है, तो बस थोड़े टाइम में इसमें बॉयल भी आ जाएगा और फिर हम चला के देखेंगे कि ये बिरयानी हमारी कितनी पक रही है। और ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो एक बार इसे हम अच्छे से चला लेंगे और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है इस तरीके से। आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी ट्राई करिएगा, अगर आपको पसंद आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए ये बिरयानी हमारी काफ़ी अच्छे से पक गई है, तो पहले इसे हम चेक करेंगे कि ये जो चावल है वो पूरा पका है कि नहीं। और चावल भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है, इसमें सब्जियां भी पक चुकी हैं, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और डाला है गार्निशिंग के लिए और ये बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए फटाफट मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ककड़ी और प्याज का सैलेड काटा है और साथ में पापड़ और रायता भी है। और ये देखिए ये बिरयानी बहुत ही लजीज बनी है, तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर